बड़ी खबर इस वक्त की, सबसे बड़ी खबर, देश में दो हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जिस बात का जिस जवाब सब जानना चाहते थे वो खबर आ गई है, दो हफ्ते के लिए पूरे देश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर आ रही है, 3 मई के बाद भी लॉकडाउन जारी रहेगा, 2 हफ्ते और। आपको अभी जैसा लॉकडाउन चल रहा है पिछले लगभग 40 दिन से, वैसे ही लॉकडाउन चलेगा आगे 2 हफ्ते के लिए, 3 मई के बाद से और देश में लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया। इसका मतलब सरकार अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है और इसलिए पूरे देश में 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको याद होगा कि इससे पहले लॉकडाउन 1 हुआ, लॉकडाउन 2 और अब लॉकडाउन 3 शुरू हो जाएगा परसों के बाद, यानी सोमवार से 2 हफ्ते के लिए एक बार फिर पूरा देश लॉकडाउन ऑब्जर्व करेगा। इसी प्रकार की जो रोक है और जो पाबंदियां हैं वो जारी रहेंगी। सरकार चाहती है कि अभी कोरोना को जिस तरीके से सीमित रखा गया है संक्रमण को, वो अभी पूरी तरह काबू में आ जाए, इसके लिए थोड़ी और पाबंदियां जरूरी हैं, इसलिए 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन को और बढ़ा दिया गया है। तो सब अभी कयास लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री परसों अगर आते हैं देश को संबोधित करने के लिए तो वो क्या घोषणा करेंगे। उससे पहले सरकार का आदेश जारी हो गया है, 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इससे पहले इसकी घोषणा जो है वो खुद प्रधानमंत्री किया करते थे, लेकिन इस बार एक आदेश के जरिए पहले इसकी सूचना दे दी गई है। 17 मई तक, आप तारीख नोट कर लें, 17 मई तक देश में लॉकडाउन और रहेगा, 2 हफ्ते और लॉकडाउन बढ़ेगा 3 मई के बाद, यानी 3 मई से 17 मई तक एक बार फिर आपको लॉकडाउन में ही रहना पड़ेगा। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है और इस लिहाज से आप देखें अगर तो ये लॉकडाउन की अवधि जो है लगभग 55 दिन के आसपास की पहुंच जाएगी। 55 दिन पूरे, जब 17 मई हो जाएगा, 17 मई तक 55 दिन पूरा देश लॉकडाउन में तकरीबन रहेगा। और इस वक्त लग ये रहा था कि शायद कुछ रियायतें मिलेंगी कुछ राज्यों को या कुछ जिलों को सही, लेकिन खबर जो आई उसके हिसाब से 2 हफ्ते अभी लॉकडाउन को और एक्सटेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर है, 3 मई के बाद भी अभी लॉकडाउन देश में जारी रहेगा, 2 हफ्ते के लिए और इसी प्रकार की पाबंदियां रोकथाम चलेगी। यानी इसका मतलब यह है कि अभी भी बाजार नहीं खुलने जा रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं खुलने जा रहा है, लोगों के घरों के बाहर निकलने पर गैर जरूरी काम के लिए पाबंदी लागू रहेगी, जिलों की सीमाएं जहां जहां सील हैं वो सील रहेंगी, इंटर स्टेट ट्रैवल नहीं हो पाएगा। तो ये सारी की सारी पाबंदियां जो लागू हैं देश के अंदर 25 तारीख से, वो अभी और आगे बढ़ा दी गई हैं। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है जो हम आपको दे रहे हैं कि देश में लॉकडाउन को 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया। और इसमें आप देखिए और खबरें आज जुड़ रही हैं इसके अंदर, जो हमने आपको रेड ग्रीन ऑरेंज जोन की अभी तफसील दी थी थोड़ी देर पहले, जिसमें 130 जिले रेड जोन में थे, खबर यह कि उन 130 जिलों में कोई रियायत नहीं है इस लॉकडाउन के अंदर। ग्रीन जोन को लॉकडाउन में कुछ छूट मिलेगी, कुछ राहत दी जाएगी, लेकिन रेड जोन के जो जिले हैं 130 जिले, वहां किसी किस्म की रियायत नहीं है। जो 319 जिले ग्रीन जोन में आते हैं वहां कुछ छूट सरकार देगी। अभी आदेश में ये आगे और साफ होगा कि किस किस्म की छूट उन जिलों को दी जाएगी। ये कमोबेश उसी लाइन पर बात है जो हम लोग अभी कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि रेड जोन वालों को किसी रियायत की उम्मीद फिलहाल नहीं करनी चाहिए और ग्रीन जोन को जरूर कुछ छूट मिलेगी। ऑरेंज और जैसे ग्रीन जोन को छूट है, ऐसे ऑरेंज जोन को थोड़ी कम, लेकिन कुछ रियायत हो सकता है आदेश के हिसाब से, ऑरेंज जोन को कुछ रियायत मिलेगी। लेकिन जो लॉकडाउन एक प्रॉपर हम पूरे देश में अब तक देखते आए हैं उस किस्म का लॉकडाउन रहेगा, लेकिन इस बार ये सशर्त छूट है। अगर आपके जिले में कुछ बेहतरी हुई है कोरोना कंटेनमेंट को लेकर के, अगर आपका जिला ग्रीन जोन में आता है तो ज्यादा छूट है, ऑरेंज जोन में आता है तो कम छूट है, रेड जोन में आता है अगर आपका डिस्ट्रिक्ट आपका जिला, तो आपके लिए कोई छूट नहीं है। बड़े शहरों की अगर हम बात कर लें, मुंबई कोई रियायत नहीं, दिल्ली कोई रियायत नहीं, नोएडा कोई रियायत नहीं, आगरा कोई रियायत नहीं, इस प्रकार के जितने जिले हैं इनको कोई छूट नहीं मिलने जा रही, इंदौर को कोई रियायत नहीं मिलने जा रही है, जयपुर को कोई रियायत नहीं मिलने जा रही, क्योंकि सारे के सारे जिले जो हैं ये रेड जोन में आते हैं। तो अब इन जो जो रेड जोन में उनके लिए तो आप समझिए कि जिंदगी जैसे पिछले लगभग 40 दिन से चल रही है वैसे ही चलती रहेगी, उसमें कोई तब्दीली नहीं आने जा रही है। देवेंद्र पराशर जुड़ गए इस बड़ी खबर पर हमारे साथ। देवेंद्र, 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा है, ये आपसे हम समझना चाहते हैं कि लॉकडाउन 1 और लॉकडाउन 2 जैसा चला, इस बार के लॉकडाउन 3 में उसमें क्या अंतर होगा?